मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। किड्स, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ाया था, तो आज मैं आपको सी पार्ट के अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक में पेज संख्या 18 खोलेंगे और अभ्यास संख्या 2 है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो का है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, इसके ऑप्शन है एक वर्ण कहते हैं, ऑप्शन दो शब्द कहते हैं, ऑप्शन तीन वाक्य कहते हैं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन दो पर, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन दो सही है, आप उस पर टिक लगाएंगे। खा पर आते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द नंबर एक चार प्रकार के होते हैं, नंबर दो दो प्रकार के होते हैं, नंबर तीन छह प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन दो, अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन सा ऑप्शन है सही? दो, दो प्रकार के होते हैं, उस पर आप टिक लगाएंगे। गा पर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन एक दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दो चार प्रकार के होते हैं, ऑप्शन तीन पांच प्रकार के होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन दो चार प्रकार के होते हैं। घा पर आते हैं, विकारी शब्दों का रूप, घा है विकारी शब्दों का रूप, ऑप्शन है एक कभी नहीं बदलता, ऑप्शन दो लिंग वचन कारक आदि के कारण बदल जाता है, तीसरा हमेशा स्थिर रहता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? दो, लिंग वचन कारक आदि के कारण बदल जाता है। अब विकारी शब्दों का रूप लिंग वचन कारक आदि के कारण बदल जाता है। अंगा पर आते हैं, संस्कृत भाषा के मूल शब्द, संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? नंबर एक तद्भव कहलाते हैं, नंबर दो तत्सम कहलाते हैं, नंबर तीन देशज कहलाते हैं। तो इसमें नंबर दो सही है, तत्सम कहलाते हैं। अब आते हैं अभ्यास संख्या 3 पर। अभ्यास संख्या 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास संख्या 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले उन्हें खाली जगह पे क्या लिखेंगे? कहते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे? निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले उन्हें खाली जगह पर हमने क्या लिखा है? निरर्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। खा है विकारी शब्द खाली जगह प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द क्या लिखेंगे? कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण खाली जगह शब्द है। क्रिया विशेषण कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द खाली जगह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। का जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले उन्हें खाली जगह पर निरर्थक शब्द कहते हैं। खा विकारी शब्द खाली जगह पर चार प्रकार के होते हैं। गा क्रिया विशेषण खाली जगह पर अविकारी शब्द हैं। घ प्रयोग के आधार पर शब्द खाली जगह पर दो प्रकार के होते हैं। अंगा संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द खाली जगह पर तद्भव कहलाते हैं। तो अब हम लोग अभ्यास संख्या 4 करना शुरू करते हैं। अभ्यास संख्या 4 है खाली खानों में अक्षर लिखकर ऐसा शब्द बनाइए जो उल्टा पुल्टा एक समान हो।
दिए गए संकेत का सहारा लीजिए तथा उदाहरण ध्यान पूर्वक देखिए। तो बच्चों किताबें पेज संख्या 19 में देखते हैं। अभ्यास संख्या 4 का है एक अखबार का नाम जो आपको पहले से ही करा हुआ मिला है, नवजीवन। ठीक, अब दूसरा करते हैं खा, एक घी का नाम। एक घी का नाम जो उल्टा पुल्टा एक समान हो, तो क्या लिखेंगे? डालडा। क्या लिखेंगे? डालडा। गा है एक भारतीय भाषा का नाम। एक भारतीय भाषा का नाम क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? मलयालम। क्या आएगा यहाँ पर? मलयालम। घा है कमल का नाम। अब कमल का नाम क्या कौन सा लिखेंगे जो उल्टा पुल्टा एक समान हो? जलज। क्या लिखेंगे? जलज। अंगा है एक जल यातायात का नाम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जल यातायात का नाम? जहाज। चाहे जो रस से भरा हो, जो रस से भरा हो तो उसमें क्या आएगा? सरस। जो रस से भरा हो सरस। एक बार फिर से देखते हैं, एक अखबार का नाम नवजीवन जो पहले से ही लिखा हुआ है, दूसरा खा है घी का नाम डालडा, गा है एक भारतीय भाषा का नाम उसमें क्या आएगा? मलयालम, घा है कमल का नाम जलज, अंगा है एक जल यातायात का नाम जहाज, च है जो रस से भरा हो सरस। आते हैं आखिरी अभ्यासकार की तरफ, रचनात्मक नंबर 5 है। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, इन चित्रों के नाम के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाइए। तो पेज संख्या 19 में देखते हैं, पहले में एक बॉक्स बना है जो खाली है, दूसरे में दी लिखा है, तो आगे क्या आ जाएगा? चित्र भी बना है उसका, नदी। पहले में क्या लिखेंगे? ना, और दी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? नदी। अब दी के नीचे खाली बॉक्स बना है और उसके नीचे का लिखा है बॉक्स में, तो बीच में क्या आएगा? उसकी पिक्चर भी बनी है, प, दीपक। अब का के बगल में खाली जगह है और उसके बगल में ब्लॉक में क्या लिखा है? ल, क, खाली जगह ल, तो क्या आ जाएगा? म, कमल। फिर ला के नीचे दो खाली ब्लॉक बने हुए हैं, तो क्या आ जाएगा? पिक्चर भी बनी है, लड़की। और ला की के बगल में ला लिखा है तो कील। तो भी बच्चों आपकी अभ्यास संख्या 5 भी हो गई है। आज मैंने आपको पार्ट 3 के अभ्यास कार्य करा दिए हैं, आगे का कार्य अगली कक्षा में कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Means this chapter is all about the collection of groups of the animal, places or things. Means collection.
floods, a pack of dogs, baby. 10th one.
फर्स्ट वन एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सेकेंड अ बंच ऑफ ग्रेप्स, थर्ड अ किंगडम ऑफ किटन्स, a swarm of bees, sixth one a crew of sailors, seventh a gang of thieves, eighth a string of pearls, of chapter 3. That's all for today, students. Thank you so much and have a great day. Good morning, students. This is your history teacher from Shivaji Kumar Institution. Here, welcome you all in the online classes, students. This is your fifth period of history of class 4. So, students, before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. In the last class, we had read this chapter, the Northern Mountains, and in that chapter, we had read about the Northern Mountains, its location, and after that, we had read about the three mountain ranges of Himalayas. Those were the Himalayas, the Greater Himalayas, the Himachal, the Middle Himalayas, and the Outer Himalayas or Shivalik. After that, we had read about the importance of Himalayas, and then we had read about the states that are located in Northern Mountains, and after that, we had read seven states which are known as Seven Sisters. And in the last lecture, we have done the book exercises of this chapter also. So, students, today we will start the written work of this chapter. So, for that, take out your notebook, open a fresh page, and firstly, mention today's thought, which is education makes a man perfect. Now close the part with inverted commas. Now on the next sign, mention lesson number. It is lesson 2. And after that, mention lesson name. The lesson name is the Northern Mountains. So now we will start the exercises. So the first exercise.
words. So the first one is R, nine, and nine, E. Number two is C, nine, I, nine, A. Number three is H, blind, M, blind, L, blind, Y, blind, and S. Number four is G, blind, N, G, blind. Number five is P, blind, I, blind, A, blind. Number six is A, blind, S, blind, M. Number seven is K, blind, H, blind, M, blind. Number eight is I, blind, D, blind, A. Number nine is B, blind, R, blind, E, blind. And number ten is K, blind, S, blind, M, blind, R. So students, now you have to guess the missing letters. You have to fill the missing letters. So, what is the first word? R, blind, N, blind, E. So, I'm giving you a clue that our Himalayan mountains have three mountain blank. So, this word is range. We had read in the chapter that our Himalayan mountains have three mountain ranges. The second word is, this is the name of a country, and this country is on number one on the population in the world. So, what is the name of this country? The name of this country is China. So, here we will write H. Here we will write N. Number three is, this is the name of a mountain, and in that chapter we had read about this importance of these mountains. What is the name of this mountain? This is Himalaya. So, here we will write I. Here we will write A. Here we will write again A, and then again A. The word is Himalayas. Number four. So this is the name of our Holy River, and it originates from Gangotri Glacier. So what is the name of this river? Here we will write A, and then again A, and the word is Ganga. Number five is, this is the dress which is worn by the people of Kashmir, and it is a long loose gown with salwar. This is known as firan. So here we will write H, here we will write R, and here we will write N. The word is firan. Number six is, this is the name of a state, and this state has a large tea plantation. So what is the name of this state? And its capital is Dispur. I have given you so many clues. So the name of the state is Assam. So here we will write S, then again S. Number seven. What is the name of this word? So this is the capital of a state. So this is Kohima. Here we will write O. Here we will write I, and here we will write A. Number eight. This is the name of our country in which we live. So, what is the name of this country? The name of this country is India. So, here we will write N. Here we will write I. Number 9. So, this is you can see that we had written the chapter that Himalaya Mountains protects our, what protects our, and it saves us from the enemies of the other countries. So, this word is border. Here we will write O. Here we will write D. Here we will write R. Number 10 is, this is the name of a state, and this state has two capitals, that is, those
lesson 1. This is your today's homework. You have to revise lesson 1. So students, that's all for today. We will do the rest of the exercises of this chapter in our next class. So thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Because if you will multiply all
Students, this was a short review of your study's class. Now I am going to start our today's class. It means exercise 3C. Now, third exercise of your chapter, third, which is 3C. So, students, now for starting today's class, OPU is number 35 and OPU exercise 3C. In your
humans. Since we have introduced the excretory system of humans, so let's recall. First of all, have the structure of the excretory system. Here are the pair of kidneys. Main organs of
Second one, ureters. Next one, during urination, the muscle of the urinary
body. Okay. Urethra is much smaller in females as compared to males. Urethra, it is smaller in females. And larger in males. So students, there are four urinary system: kidneys, urethra, urinary bladder, and urethra. We have completed it today. And rest of the chapter means next topics we will discuss in the next video. That's all for today. And students, write up your homework. Do matching in book at page number 35.